दोस्तों कल अकाउंट्स का पेपर है और अकाउंट्स के पेपर की बहुत सारी तैयारियां हो गई होंगी। तो अब कश्तियों को साहिलों में छोड़ने का वक्त आ चुका है, पंछियों को उड़ते गगन में उड़ने का वक्त आ चुका है। वो और हैं जो रण में जाने से डरते हैं, हमें तो रण में जीत के आने का फितूर आ चुका है। सो फर्स्ट ऑल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल क्लास 12 स्टूडेंट्स। आप लोगों ने साल भर पूरा पढ़ा है और खासकर जो स्टूडेंट्स हैं उनको पूरा सब कुछ आ जाए, ईच एंड एवरी कंसेप्ट रिवाइज कर चुके हो, 4-5 प्री बोर्ड कोचिंग पर दे चुके हो, तो इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तुमको जाना है पेपर, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पार्ट बी से शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और टाइम लिमिट, टाइम मैनेजमेंट अकाउंट्स के पेपर में हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका एक या आधा क्वेश्चन भी गलत जाता है तो अकेला क्वेश्चन आपके 10-12 मिनट एक्स्ट्रा ले जाता है, जिससे अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो पार्ट बी से शुरू करके फिर पार्ट ए पे आना इज़ अ गुड स्ट्रेटजी, जिनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत अच्छे से आता है। सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रायोरिटाइज करना, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना, अच्छी नींद लेना, आज के दिन में 1-2-3 सैंपल पेपर को ओवरव्यू कर लेना, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। चक दे, अच्छे से करके आना, फोड़ के आना।